नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। मैं अलीश स्वामी, और जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा विधानसभा का चुनाव 5 तारीख को, और आज चुनावी शोरगुल जो है वो थम जाएगा। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मेरे साथ हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, बातचीत करेंगे। चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है आज, पूरी ताकत झोंक रखी है सभी कैंडिडेटों ने। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की क्या तैयारियाँ हैं, क्योंकि 2 दिन बाद मतदान है? बस मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिन से लोगों ने चुनाव अपने हाथ में ले रखा है। मैं तो खाली घूम रहा हूँ ये देखने के लिए, बाकी सब लोगों ने चुनाव संभाल रखा है। और अब तो परसों इन्होंने वोट डाल दिया। फील कर रहे हो? बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। रैली के बाद नहीं, मुझे जितना समर्थन मिल रहा है उतना मैं कम्फर्टेबली फील करता हूँ। कुछ चेंज हुआ लगता है सिरसा में? कल फतेह रैली में दिग्विजय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया। जो रैली थी हमारी और जेजेपी की इकट्ठी ओडा में, बहुत भारी जनसमूह आया था। वो 50,000 से भी बड़ी भीड़ थी, और उसका इतना भीड़ का उमड़ना ही एक मैसेज था लोगों का। बहुत हौसले हिम्मत कल से बुलंदी पे है, और लोगों ने मन बना लिया कि रानिया और डबवाली दोनों को, हमें मुझे और दिग्विजय को, दोनों को जिताने का मन बना लिया। साहब, 5 तारीख को लोग बटन दबाने जाएंगे, क्या अपील करना चाहोगे अगले 5 साल के लिए, कैसे चुने? बिल्कुल, मैं लोगों से कहूंगा कि 100% अपना वोट पाल करें, और खास करके मैं युवाओं से जो फर्स्ट टाइमर वोट डालेंगे उन्हें ज़रूर कहूंगा कि जैसे इस गाँव में मैं खारिया में बैठा हूँ, या मैंने ई लाइब्रेरी दी, या मैंने कोचिंग सेंटर दिया, यहाँ से 138 बच्चे सर्विसेज में गए हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम वो वोट डालेंगे, एक नई चीज़ होगी। उन्हें मैं अपील करूँगा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं समझता हूँ जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि पैर में जूता हो नहीं और हाथ में किताब होनी चाहिए। एक सेंटेंस है कि ओपन द बुक, द वर्ल्ड इज़ बिफोर यू। और वो बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनका आगे उनका कैरियर बनेगा। मैं उनके मामले को सर्विसेज में उन्हें बहुत करूंगा, और बच्चों का कैरियर करें, तो इस करके मैं उन्हें अपील करूंगा कि एक एक वोट रणजीत सिंह को डालें। मैं उनकी क्षमता को, उनकी एनर्जी को, उनकी कॉम्पिटेंसी को सदुपयोग करूंगा और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करूंगा। थैंक यू।